बक्सर में पूर्व सैनिक संघ के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पारंपरिक फाग गायन किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। मौके पर कमलबास कुंवर और गुड्डू पाठक जैसे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष रामनाथ सिंह ने बताया कि ये होली मिलन समारोह और होली हमारी एक पारंपरिक और धार्मिक व्यवस्था है। ये हम लोग पहले जो पारंपरिक होली होती थी गाँव में देहातों में बड़े लंबे समय से और इंतजार लोग करते थे और बड़ी बढ़िया से मिलजुल करके गाते थे, जो अब विलुप्त होते जा रहा उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो देहातों में हमारी होली विलुप्त हो रही है, गाँव में विलुप्त हो रही है, उसी को जिंदा रखने के लिए और उसको जीवंत करने के लिए हम लोग ये हर वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें माध्यम होता है हम लोग एक ब्यास होते हैं जो जिला के या जो पारंपरिक लोग गांव के लोग होली गाते हैं उनको भी हम लोग बुलाते हैं और इसी बहाने समाज के हर वर्ग के लोगों को बुला करके एक दूसरे से मिलने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि पारंपरिक होली हमारी विलुप्त होती जा रही है और आप लोगों को पता भी है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने ये पारंपरिक होली कराया था, इस वर्ष भी हमारा प्रयास था लेकिन उनकी उपलब्धता नहीं होने की वजह से हम नहीं करा पाए हैं और हमारा ये कोशिश होगा अगले वर्ष से कि कंपटीशन लेवल पर हम पारंपरिक होली को ले जाएं और एक प्राइज के तौर पर रखें ताकि गाँव में ये जागरूकता आए कि लोग पारंपरिक होली की तरफ बढ़ें और जैसे बाकी टूर्नामेंट होते हैं उसी तरीके का टूर्नामेंट हम कराना चाहते हैं। गीत गायक कमलबास कुंवर ने कहा कि होली हमन के भारत के सबसे मशहूर जैसे दिवाली दशहरा होला वो तरह ही होली के पर्व हमन के डेढ़ महीना तक मनाई ले जाए और ये पर्व के मनावला से हमने आपसी सौहार्द बढ़ेला, आपसी एकता बढ़ेला, एक दूसरे के दुश्मनी मिटेले, होली के दिन एक दूसरे से रंग अबीर खेल के लेला, आदमी आत्मा के जल द्वेष रहला वो मिट जाला। एक वजह से हमने के वैसे तो होली पौराणिक इतिहास में लिखल बा जो होली हमने के मनावल जाला, होलिका दहन कल जाला बुराई पर अच्छाई की जीत खातिर है। धन्यवाद। रेल यात्री कल्याण समिति के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने बताया, देखिए कोई भी सामाजिक कार्य जब तक से हम लोग अपना संस्कृति और संस्कार चरित्र आचरणों को मजबूत नहीं करेंगे तो कोई भी सामाजिक कार्य नहीं किया जा सकता है और जो ये हम लोग का महत्वपूर्ण पर्व है होली दशहरा, इसका एक ही उद्देश्य है समाज में आपस में प्रेम भाईचारा एकता सद्भाव सुनिश्चित करना। इससे सुनिश्चित होता है सारे भेदभाव हम लोग भुला के एक साथ एक रंग में सरोवार हो जाते हैं ताकि कोई भी प्रकार का आपस में फ्रिक्शन न हो और तभी हम लोग कोई संघर्ष कर सकते हैं, कोई भी लड़ाई को हम लोग खड़ा कर सकते हैं।